कैसे हो दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये फुजिकोरा 31S+ मशीन है, हमारे दोस्त को मिला है रूम में। उनका मशीन ख़राब हो गया था, जैसे कि 10 साल 5 साल के बाद चेंज होता है ना, ये इसमें है क्लीबर, उनका ख़राब हो गया तो रिप्लेसमेंट में नया मशीन मिला है। नया मशीन बहुत अच्छा है, ये फुजिकोरा का है। पहले फुजिकोरा का मिनी था, मिनी 4S था शायद। ये फुजिकोरा का CT0, ये कोडिंग होता है, क्लीबर का मतलब कोड लिखा हुआ है। बहुत अच्छा क्लीवर, नया है, नया सामान तो बिल्कुल अच्छा होता है ना। एक्चुअली सामान नया रहता है तो काम करने में थोड़ा इजी हो जाता है। इसमें स्टिपर है, ये नया स्टिपर आया है। दोस्तों, बहुत लोगों ने देखा होगा कि केबल का लेंथ होता है, थिकनेस होता है ना, जो इस स्टिपर पर डिटेल ही दे दिया है। देखें आप, इसमें आपको दिखेगा ये 120, आपको कवर में नहीं दिख रहा होगा, 125 माइक्रोन, 250 माइक्रो ऐसे लिखा हुआ है थिकनेस उसके अंदर। अभी एक्चुअली मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, देखे 125 माइक्रोन में, जैसे इसका थिकनेस पतला होता है ना, तो MM में नहीं होता है इसका। 250 क्या है, कवर निकालने के बाद हो जाए, मतलब ये सब डिटेल आप लोग वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखें, इसमें स्टिकर में दिखेगा, आप लोग वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, तो मैं काम के बारे में वीडियो अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। ये देखें स्टिपर का, वो सब जितना दिख रहा है ना, सबका काम है, तो मैं स्प्लैश जब करूँगा उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा दोस्तों। सही है, काम के बारे में जितना होगा ना, मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। हम लोग काम करता है इस लाइन में, बता दूँ मैं दुबई में हूँ, दुबई में काम करता हूँ। वो देखें बिल्कुल नया है दोस्तों। स्प्लैश करना बड़ी काम, बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी 10 दिन में कर सकता है। मेन चीज़ है काम को समझना, पढ़ना, देखना कि कैसे काम होता है। ये रात में भी स्प्लैश कर सकते हैं, हर मशीन में देता है। रात में आप लाइट रहता है ना, खोलेंगे तो दिखेगा आपको, टार्च का जरूरत नहीं पड़ता है, लाइट का जरूरत नहीं पड़ता है, मशीन के अंदर ही सब सिस्टम है। एक्चुअली ये नया मशीन आया तो मैं सोचा एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूँ, और स्प्लैशिंग का हर काम के बारे में, इसका कलर कोडिंग, फाइबर का, जो भी है सब मैं अपलोड करूँगा। आप वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये नया मशीन आया था तो मुझे अच्छा लगा, मैं बोला एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मशीन नया रहता है तो थोड़ा काम इजी से होता है, पुराना हो जाता है तो क्या होता है, थोड़ा आगे पीछे फिर कटिंग करने के लिए क्लीवर में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, स्टिपर डिस्टर्ब हो जाता है, तो नया चीज़ से काम करने का बहुत इजी होता है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बिल्कुल नया था दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर।